नूह गुरुग्राम हिंसा के बाद रात भर चली गश्त। नूह में आज भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। 100 वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर 48 एफआईआर, 45 को हिरासत में लिया गया। हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी प्रदर्शन। हरियाणा में हुई हिंसा और आगजनी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, सुनियोजित तरीके से यात्रा को भंग किया गया, बड़ी साजिश का शक जताया। हरियाणा पुलिस सोशल मीडिया का पोस्ट के साथ हर एंगल से कर रही है जांच। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। अब्दुल्ला सैफ नवाज और अमन मलिक को राजकोट से दबोचा। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में फिराक में थे, सोशल मीडिया के जरिए विदेशी हैंडलर्स से भी जुड़े हुए थे। आज लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज संशोधन बिल पर चर्चा, दोपहर 2 बजे गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हीप जारी किया। कांग्रेस पार्टी में बिल पर दो फाड़, दिल्ली कांग्रेस के नेता बिल के समर्थन में उतरे। ज्ञानवापी के मुद्दे पर योगी के समर्थन में उतरा सूफी इस्लामिक बोर्ड। मुस्लिम लीग के सह सचिव बोले, योगी सीएम पद से इस्तीफा दें, फिर ज्ञानवापी पर मैदान में आकर बात करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, डरा धमका कर नहीं, कोर्ट जो फैसला करेगा वो मंजूर।